दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है वो गांव क्षेत्र में काफी ज्यादा ट्रेड करने वाला है। गांव में इस तरह के बिजनेस ना के बराबर देखे जाते हैं। 100 गांव में एक गांव कहीं ऐसा होगा जो इस बिजनेस को कोई व्यक्ति वहां कर रहा होगा, बाकी कोई ऐसा जगह नहीं है जहां ये बिजनेस काफी ज्यादा संख्या में हो रहा है। लेकिन इस बिजनेस की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, फिर समझ लीजिए कि आपका बिजनेस आपको प्रतिदिन 10,000-15,000 से ज्यादा रुपए की अर्निंग देने वाला है। स्टार्टिंग महीने में तो आप 2 से 3-4 हजार रुपए की अर्निंग 100% करेंगे। इस बिजनेस के साथ साथ मैं इसमें एक जबरदस्त ट्रिक भी बताऊंगा। उस ट्रिक को जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे आप प्रतिदिन हजारों हजार रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं तोड़-तोड़ कर आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक 50x50 का कमरा देख लेना है। फिर उसके बाद आपको एक बढ़ई के पास जाना है। बढ़ई के पास आपको कुछ रैक्स बनवाने हैं। रैक जो है तकरीबन 4 फीट ऊंचे बनवाने हैं, जिसमें अलग अलग खंड बने होंगे। रैक में क्या है, जो दीवार के साइड में रैक्स को रखे जाने हैं वो वन साइडेड रैक बनेंगे। यानी दीवार साइड में आपने मान लिया कि ये एक दीवार है और यहाँ आपने रैक किया है, रैक रखा हुआ है, तो यहाँ से उस पर सामान रखने की व्यवस्था होगी। लेकिन दोस्तों, अगर बीच में अगर रखना है तो इधर भी रैक होगा और इधर भी रैक होगा, ये ध्यान रखिएगा। फोटो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस माध्यम से आप समझिए कि उस तरीके से आपको रैक बनवाने हैं। अभी आप देख लीजिए कि रैक क्या है। मान लीजिए अभी स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रहा है कि कैसे बीच बीच में रैक रखे हैं और कैसे आने जाने की जगह भी उसमें बनाई गई है। अभी कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले बताता हूं कि आपको प्रिंटिंग प्रेस में जा करके वहां पर आपको कुछ बैनर्स, पोस्टर्स, हैंडबिल्स, कुछ पैम्फलेट्स छपवा लेने हैं, कुछ बुकलेट्स भी छपवा लेना है और उसको जगह जगह पे बंटवा देना है। उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन रहेगा, उसमें आप ये बताएंगे कि अगर आप हमारे स्टोर पर आते हैं सामान की खरीदारी करने, क्या सामान है बताने वाला हूं। पहले बैनर पे क्या लिखवाएंगे वो बताता हूं कि अगर आप हमारी दुकान में सामान खरीदने आते हैं, हमारे स्टोर पे आते हैं, तो आपको यहां पर एक कूपन जीतने का मौका मिलता है। मैं बार बार बिजनेस ट्रिक आपको देता रहता हूं, हर एक ट्रिक अलग अलग होता है, यह भी ट्रिक बिल्कुल अलग है, पूरी जानकारी आप ले रहे हैं अभी। तो दोस्तों, आप वहां मेंशन करते हैं कि आपको यहां एक कूपन जीतने का मौका मिलेगा। यह लिखवाकर आप जगह जगह घर घर बंटवा दीजिए। एक घर में 5 सदस्य है, 5 लोगों के हाथ में एक एक पैम्फलेट पकड़वा दीजिए। पैम्फलेट भी काफी सुंदर प्लास्टिक कोटेड, थोड़ा सा खर्चा आप स्टार्टिंग में कीजिए। लोग एक बार जब उसको देखें तो उनको लगे कि कुछ बेस्ट चीज़ हमारे शहर में आ गया है। जहाँ तहाँ पोल है, जहाँ दीवारें हैं, मार्केट है, वहाँ पर आप प्रचार के तौर पे वहाँ पर आप अपना बैनर टंगवा दीजिए। और दुकान के बाहर तो आपने इतना मस्त, इतना बड़ा सा बैनर टंगवा दिया है, इतना बड़ा पोस्टर टंगवा दिया है कि जो भी आने जाने वाले लोग हैं वो कौतूहलवश उसको देख रहे हैं। अभी दोस्तों, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप किराने दुकान में जाते हैं, जनरल स्टोर में जाते हैं, कपड़े की दुकान में जाते हैं, खाने पीने का कोई एक दुकान है उसमें जाते हैं जो कि पैक आइटम बेचते हैं, वहां पर जब आप जाते हैं, मान लीजिए किराना का एग्जांपल लेता हूं, वहां आप जब जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये सामान दिखा दीजिए, तो वो सामान दिखाई देता है। आप काउंटर के बाहर होते हैं, आंख के सामने सारे सामान सजा कर रखे होते हैं, लेकिन एक सामान को भी आप टच करके, छू के नहीं देख सकते हैं। अगर चाय पत्ती के 10 पैकेट्स हैं, वहीं पर अगर बिस्किट रखा हुआ है, वहीं पर बेसन रखा है, वहीं पर सत्तू रखा है, आप उसका प्राइस देख नहीं सकते। पूछेंगे अगर दुकानदार से, आपने 2 प्रोडक्ट का प्राइस पूछ दिया, बता देंगे। आप 10 पूछेंगे वो खींच जाएगा, अगर आप 50 पूछ दिए फिर तो वो आपको दुकान से बाहर कर देगा, बोलेगा जाइए, आपको मेरे दुकान में कोई लेना नहीं है, बस दाम पूछ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी दुकान में जाते हैं जहां पर सारी चीज़ें खोल कर रखी हुई हैं, आप उनको उठाते हैं, उनका प्राइस देखते हैं और फिर जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइस देख करके अपने पॉकेट को देख लेते हैं कि क्या बजट आप अभी लेकर आ रहे हैं, उस हिसाब से आप खरीदारी करते हैं, तो बताइए यहां पर आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा उस दुकान में जाने का। बार बार उसी दुकान में जाएंगे, चीनी, नमक, हल्दी, तेल, रिफाइन, कुछ भी आपको लेना हो उस दुकान में आप जाएंगे, हर एक चीज मिलेगा। तो आपको करना क्या है, अपने मार्केट के बड़े से बड़े होलसेलर के पास जाना है, उनको अपने दुकान पर लेकर आना है, जहां पर आपने बढ़ई के माध्यम से सारे रैक्स लगवा दिए हैं, बड़ा सा एक कमरा आपने ले लिया है, उनको दिखाइए कि देखिए मैंने एक स्टोर की शुरुआत की है। आप रिटेलर्स को सामान देते ही हैं, किराना दुकानदार को देते ही हैं, मुझे आप सामान दीजिए, मैं स्टार्टिंग फेज में हूँ, ज़्यादा पूंजी लगाने की स्थिति में नहीं हूँ, 50-60% की पूंजी मैं आपको दे सकता हूँ डाउन पेमेंट के तौर पे, बाकी जो 40% है मैं धीरे धीरे दूंगा, लेकिन आप मुझे 100% सामान दीजिए। यहाँ पर मैं जो दुकान डाल रहा हूँ, स्टोर डाल रहा हूँ, काफ़ी चलने वाला है क्योंकि मैं एक ट्रिक लगाने वाला हूँ। ऐसी बात आप उनको कहिए होलसेलर को, निश्चित रूप से आपको वो सप्लाई देंगे। उनको क्या है, सामान बिकना चाहिए, लेकिन कहाँ बिकना चाहिए, जहाँ पर बल्क में कस्टमर आते हों, वो काफ़ी खुश हो जाएंगे। वो देखेंगे कि इसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो दुकान का जो ढांचा इसने तैयार किया है, लोगों से काफी अलग है और
चलने वाला बिजनेस है। इसने क्या किया है कि होलसेलर सोचेंगे कि जो भी सामान मैं इनको दूंगा, जो भी पैकेट्स हैं जो मैं इनको दूंगा, वो सजा के रख देंगे, सर्फ, तेल, नमक, चॉकलेट, बिस्किट, अगरबत्ती हो या कुछ भी हो, सब चीज़ को वो डिस्प्ले में रैक्स के ऊपर लगा लगा के रख देंगे। जैसे आप पतंजलि के स्टोर में जाते हैं और देखते हैं, एग्जैक्ट वैसा ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लगाने वाले हैं। तो वो होलसेलर भी आपको निश्चित रूप से सामान की सप्लाई कर देंगे और वो आपसे एक बहुत अच्छे रूप में जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब आपने थोड़ी सी पूंजी लगा दी है तो निश्चित रूप से सामने वाले को वो दिखाई देता है। अभी दोस्तों आप क्या कीजिए, एक कोना में अपना एक बैठने की व्यवस्था कर लीजिए, टेबल लगा लीजिए, चेयर लगा लीजिए, स्टार्टिंग में आप रजिस्टर पे मेंटेन करिए अपना जो भी खाता बही है उसको, लेकिन आने वाले वक्त में सॉफ्टवेयर बनवा लीजिए अपने स्टोर के लिए और फिर ऑनलाइन बिल काट के आप अपने कस्टमर्स को दीजिए। रास्ते पर यानी जो गेट है, मेन गेट पर एक गार्ड के रूप में 8-10-12 हज़ार रुपए में एक व्यक्ति मिलते हैं, उनको नियुक्त कर लीजिए। स्टोर आपका सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलेगा या सुबह के 9 से लेकर रात के 9 बजे तक चलेगा, 9 to 9 या फिर 10 to 10 जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, 11 to 11, 9 to 10, 10 to 9 कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह का दुकान का नाम रखिए, सुपर मार्केट कर दीजिए। आपने जब एक बार इसकी शुरुआत कर दी है फिर ये बिजनेस आपका बैकफुट पे कभी नहीं आने वाला, दौड़ता चलते रहने वाला बिजनेस है दोस्तों। तो ये तो आपको करना ही चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। अगर आप कच्चे उम्र में हैं तो निश्चित रूप से इस बिजनेस के ऊपर अपना दिमाग लगाइए, रिस्क लीजिए, ताकि आगे आपका जो करियर है वो सुनहरा रहे और आप एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर उभरे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाएगी कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप छोटी उम्र के होकर कोई एक बड़ा स्टेप लेते हैं, प्रॉफिटेबल स्टेप लेते हैं, फिर आपका कद ऊंचा हो जाता है और फिर जब आप मुनाफा बनाने लगते हैं, जहां आपका डिसरेस्पेक्ट होता था, जहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, वहां आपको लोग काफी ऊंची नजर से देखने लगेंगे, आपका आदर करने लग जाएंगे। जब आप 5-10 हज़ार प्रतिदिन अर्न करेंगे, 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपए की अर्निंग करने लगेंगे। छोटे मोटे बिजनेस है तो हर लोग कमा लेते हैं, इस बिजनेस की तरफ भी आपको दिमाग लगाना चाहिए दोस्तों। जो ट्रिक है इस बिजनेस के अंदर, अब मैं वो आपको बताता हूँ। ट्रिक के लिए आपको क्या करना है कि आपने लोगों के लिए एक ऐसा कार्ड छपवा रखा है, मैंने पिछले 1-2 वीडियो में इसके बारे में बताया था, लेकिन वो किराना स्टोर के बारे में बताया था, ये जो सुपरमार्केट है इसके लिए मैंने नहीं बताया था, जो मैं पहली बार बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, एक कार्ड छपवा लेना है, व्यक्ति का नाम ऊपर लिखा रहेगा, नाम के बाद नीचे में तारीख लिखा रहेगा, किस तारीख को कौन सा तारीख आप अपने हाथ से भरेंगे, खंड बना रहेगा, कौन से तारीख में व्यक्ति ने कितने रुपए का सामान लिया और उस सामान के बदले में आपने उन्हें कितना पॉइंट दिया है। तो पॉइंट आप देना शुरू कर दीजिए सामने वाले को, बताइए कि जब आप हमारी दुकान से 100 पॉइंट जमा कर लेते हैं तो मैं आपको 50 रुपये या तो कैश दे देता हूँ या 50 रुपये का कोई सामान आपको लेना है वो देता हूँ। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपकी दुकान में आता है और वो 10-10 रुपये से ज़्यादा की सामान लेता है, यानी एक सामान 20 रुपये का, एक सामान 50 का, एक सामान 150 का, एक सामान 70 का, ऐसा करके अगर वो 10 सामान लेता है तो आप उनको क्या कीजिए कि 10 पॉइंट दे दीजिए या 15 पॉइंट दे दीजिए। आप देख लीजिए कि आपको कितना मुनाफा हो रहा है। उसने अगर मान लिया 1000 रुपये की खरीदारी की है तो उसमें आपको कितना का मुनाफा हो, अगर उसमें आपको 200 रुपये का मुनाफा हो रहा है तो आप उनको आराम से 50 रुपये का पॉइंट दे सकते हैं, यानी आप उनको 100 पॉइंट दे दीजिए। 2 पॉइंट का मतलब 1 रुपया, यानी अगर आपको 50 रुपया उनको देना है गिफ्ट के तौर पर तो आप उनको 100 पॉइंट दे दीजिए। तो 100 पॉइंट मतलब 50 रुपये उनको बोलेगी। अभी ही आप चाहें तो कोई 50 रुपये का एक्स्ट्रा सामान ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो ये आप जमा करिए कि एक दिन जब ये मान लिया 10 हज़ार पॉइंट हो जाएगा तो 2500 रुपये का आप सामान ले सकते हैं। दुकानदार के नाम पे आपने एक परमानेंट कार्ड बना दिया है, अपने रजिस्टर में भी आपने लिख लिया है कि ये अमुक व्यक्ति हैं, अमुक नाम है इनका, अमुक ये इनका मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, सब आपने लिख लिया है, क्योंकि एक नाम से कई व्यक्ति पहुंच जाते हैं तो मोबाइल नंबर आधार नंबर से आप ट्रेस कर पाइएगा। वैसे क्या है कि वो कस्टमर जब भी आपके दुकान पर दोबारा आएंगे वो कार्ड के माध्यम से आपको क्या करेंगे कि परचेज करेंगे। अगर वो कार्ड लेकर नहीं आए हैं तो कहीं पर भी आप उनको वो पॉइंट लिख दीजिए, वो घर पर जाकर मेंटेन कर लेंगे, आप अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लीजिए। ऐसे क्या होगा कि कस्टमर बार बार आपकी दुकान में आएंगे, ये आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा है दोस्तों कि जब आप दूध से लेकर मक्खन तक, दही से लेकर सब चीज अपनी दुकान में बेचेंगे, किराना से लेकर जनरल स्टोर, प्लास्टिक फाइबर, हर एक चीज, यानी आपके स्टोर में कोई आते हैं अपने घर में जिंदा रहने के लिए जितने भी चीजों की जरूरत पड़ती है सारी चीजें वो आपकी दुकान से ले सकते हैं, चावल, आटा, दाल, नमक, हल्दी, तेल, सब कुछ आपकी दुकान से ले सकते हैं, तो मान के चलिए कि आप प्रतिदिन 3-4-5 हज़ार रुपए की स्टार्टिंग अर्निंग करना शुरू कर देंगे। उसी में से आप रूम रेंट दीजिएगा, अगर आपका अपना मकान है तो बहुत बढ़िया है, वरना रूम रेंट देना है तो रूम रेंट दीजिएगा। जो व्यक्तियों को आपने नियुक्त किया है, अपने काम पे रखा है, उसको आप पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद आप जो डाउन पेमेंट आपने कम किया था, जो किस्त बन गया था, जो होलसेलर है उनको आप सप्लाई कर दीजिएगा जो पैसा होगा। कुल मिलाकर शुरुआत में आपको तकरीबन 5-7 हज़ार रुपए की बचत तो होगी, अगर सबको काट छाट दिया जाए तो भी। आप प्रतिदिन की मैं बात बता रहा हूँ,
तो भी आप प्रतिदिन 2-3 हज़ार रुपये यानी महीने में 60-70 हज़ार रुपये 80 हज़ार रुपये आराम से कमाएंगे। मेरे सर्किल में एक मेरा दोस्त है, उसके फादर इसी तरीके का सुपर मार्केट चलाते हैं, बोलता है कि वो प्रतिदिन 50 हज़ार रुपये तक की अर्निंग कर लेता है। तब है कि उसका सुपर मार्केट काफ़ी चल चुका है, वो 2 साल से मार्केटिंग में है, उसके फादर उससे ज़्यादा से भी हैं शायद वो मार्केटिंग में है। तो स्टार्टिंग में उनकी भी अर्निंग 2000-3 हज़ार प्रतिदिन की हुआ करती थी, तो 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये अगर पहले महीने से आपकी अर्निंग शुरू हो रही है तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। धीरे धीरे यही 5 लाख 10 लाख रुपये में बदल जाएगा, आपकी आने वाली पुश्तें जो हैं वो इस बिजनेस से अपना फ्यूचर को संवारेंगी। तो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है, काफ़ी बेहतरीन आइडिया है। इतना ही नहीं, जो मैंने आपको ट्रिक दिया है वो भी बेहद शानदार है, इसके बारे में आप विचार कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।